गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आज मैं उषा पाठक आपका ऑनलाइन क्लासेस में अग्रवाल पब्लिक इंटर कॉलेज की तरफ से स्वागत करती हूँ। मैं आज आपको भाषा लिपि और व्याकरण के बारे में बताऊँगी। सबसे पहले हम यह जानेंगे कि भाषा क्या है, भाषा का उद्भव कहाँ से हुआ और भाषा के कितने प्रकार होते हैं। भाषा अपने मन के भावों और विचारों को एक दूसरे के सामने व्यक्त करने का माध्यम है। भाषा संस्कृत की भास धातु से बना है, जिसका अर्थ व्यक्त वाणी है। आपको मैं एक उदाहरण के द्वारा समझाऊंगी। जैसे आप अगर एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं तो आप या तो ट्रेन से जाते हैं या बस से जाते हैं या कार से जाते हैं, यानी एक शहर से दूसरे शहर जाने का माध्यम आपके ये वाहन है। उसी प्रकार अपने मन के भावों और विचारों को एक दूसरे के सामने प्रकट करने का माध्यम भाषा है। भाषा के रूप, भाषा के तीन रूप होते हैं। पहला मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा और तीसरी सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा, जब हम मनुष्य अपने मन के भावों और विचारों को बोलकर प्रकट करता, यानी अपनी बात को आप बोलकर एक दूसरे के सामने प्रकट करेंगे तो वह मौखिक भाषा कहलाती है। जैसे टेलीफोन पर वार्तालाप करना, रेडियो सुनना आदि। नंबर दो, लिखित भाषा, जब मनुष्य अपने मन के भावों तथा विचारों को लिखकर दूसरों के सामने पहुंचाता, यानी आपने अपने मन के भावों और विचारों को एक दूसरे के सामने लिखकर प्रकट किया है तो वह लिखित भाषा कहलाती है। जैसे पत्र लिखना, मोबाइल पर संदेश भेजना आदि। नंबर तीन, सांकेतिक भाषा, जब हम अपने मन के भावों को संकेतों के माध्यम से व्यक्त करते हैं तो वह सांकेतिक भाषा कहलाती है। जैसे चौराहे पे खड़ी ट्रैफिक पुलिस, आपने कभी देखा होगा कि आप जब कभी मार्केट जाते हैं तो वहाँ पर आपने देखा होगा चौराहे पे एक ट्रैफिक पुलिस खड़ी रहती है, तो वो अपनी बात को किस प्रकार बताती है कि आपको दाएं चलना है बाएं चलना है, तो वो संकेतों के माध्यम से आपको बताती है कि आपको दाएं चलना है कि बाएं चलना है, तो ये सांकेतिक भाषा कहलाती है। संसार में अनेक भाषाएँ बोली जाती हैं, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, जर्मन, मराठी, पंजाबी, बंगला, उड़िया, कन्नड़, तेलुगु, फ्रेंच आदि। लिपि, भाषा को लिखने के लिए भिन्न भिन्न ध्वनियों को प्रकट करने के हेतु कुछ चिन्ह निर्धारित किए गए हैं, यानी भाषा के लिखने के लिए जो चिन्ह निर्धारित किए जाते हैं उन चिन्हों को लिपि कहते हैं। यानी आप या आप ये भी कह सकते हैं कि भाषा को जो लिखने का ढंग होता है वह लिपि कहलाता है। आप देखेंगे कि जैसे हिंदी अलग तरीके से लिखी जाती है, संस्कृत अलग तरीके से लिखी जाती है, उर्दू अलग तरीके से लिखी जाती है और फारसी अलग तरीके से लिखी जाती है। हिंदी, संस्कृत और गुजराती भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है, अंग्रेजी की रोमन लिपि है और पंजाबी तथा गुरुमुखी लिपि में तथा उर्दू फारसी लिपि में लिखी जाती है। यानी आप देखिए, हिंदी, संस्कृत, गुजराती और मराठी भाषाओं की जो लिपि होती है वो देवनागरी लिपि होती है, उसी प्रकार अंग्रेजी की रोमन लिपि होती है और पंजाबी की गुरुमुखी लिपि होती है। राजभाषा, जब किसी देश का संविधान किसी भाषा को प्रशासन की भाषा घोषित कर देता है तब उस भाषा को राजभाषा की संज्ञा दे दी जाती है। 14 सितंबर सन 1949 में पारित भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी को भारत की राजभाषा की मान्यता प्राप्त हुई। प्रशासन के सभी कार्यों में हिंदी भाषा का प्रयोग अनिवार्य है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, व्याकरण। व्याकरण दो शब्दों से मिलकर बना है, वी प्लस आकरण, यानी वी विशेष रूप से और आकरण शुद्ध करना। यानी भाषा को शुद्ध करने का जो शास्त्र होता है वो व्याकरण कहलाता है। यानी आप भाषा को शुद्ध रूप से कैसे लिखना, बोलना, पढ़ना, ये सब आप व्याकरण के माध्यम से ही सीख सकते हैं।
व्याकरण ही भाषा को शुद्ध रूप से लिखने और उनके नियमों का ज्ञान कराता है। व्याकरण के ज्ञान के बिना किसी भी भाषा का समुचित ज्ञान नहीं हो सकता है। भाषा को सीखने के लिए उसके वर्णों, शब्दों तथा वाक्यों का ज्ञान होना आवश्यक है। अतः व्याकरण में वर्णों, शब्दों तथा वाक्यों पर विचार किया जाता है। इस प्रकार व्याकरण के चार भाग किए जाते हैं। पहला वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार, तीसरा वाक्य विचार और चौथा रूप विचार। वर्ण विचार, प्रत्येक वर्ण शब्द कई वर्णों से मिलकर बना है। वर्ण विचार के अंतर्गत वर्णों के आकार, उच्चारण और उनके मेल से शब्द निर्माण का अध्ययन किया जाता है। दूसरा शब्द विचार, प्रत्येक भाषा का शब्द भंडार कई तत्वों से बना है। भाषा अपने शब्दों का निर्माण करती है अथवा विभिन्न स्रोतों से शब्दों का अपनी आवश्यकता अनुसार ग्रहण करती है। शब्द विचार के अंतर्गत शब्दों की उत्पत्ति, शब्दों के विकास, निर्माण, आगमन, अर्थ आदि का अध्ययन किया जाता है। नंबर तीन वाक्य विचार, हिंदी में प्रत्येक वाक्य की निश्चित बनावट होती है। प्रत्येक वाक्य में पहले कर्ता, फिर कर्म और अंत में क्रिया आती है। वाक्य विचार के अंतर्गत वाक्य के भेद, वाक्य का गठन और पदों के पारस्परिक संबंध का अध्ययन किया जाता है। चौथा रूप विचार, प्रत्येक शब्द की अपनी स्वतंत्र सत्ता होती है। जब शब्द को वाक्य में प्रयुक्त किया जाता है तो बहुधा उसके रूप में परिवर्तन हो जाता है। वाक्य में प्रयुक्त शब्द को रूप या पद कहते हैं। रूप विचार के अंतर्गत शब्दों के रूप परिवर्तन, उनकी रचना, भेद और उनके कार्य का अध्ययन किया जाता है। जैसा कि आज मैंने आपको भाषा, लिपि और व्याकरण के बारे में बताया, अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वर्ण विचार के बारे में बताऊंगी। तब तक आप इस चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।